हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और ऐसे में दिल चाहता है कि कुछ ठंडा या रिफ्रेशिंग पीने को मिल जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक रेसिपी, जो कि एक लेमन ड्रिंक भी है और इसका नाम है लेमन आइस टी। तो आइए जल्दी से हमारी रिफ्रेशिंग और बहुत ही इजी समर ड्रिंक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पर अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। तो लेमन आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे लगभग 3 कप पानी। अब इस पानी को हम हल्का गर्म करेंगे। ध्यान रखिए, ये पानी हमें उबलने तक नहीं पकाना है। जब थोड़ी देर में आप देखें कि इस पानी में इस तरह से बबल्स आने लग जाएंगे साइड में, तब उस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ध्यान रखिए, लेमन आइस टी बनाने के लिए हमें पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो चाय है वो कड़क हो जाएगी और पीने में वो कड़वा फ्लेवर देगी। तो यहाँ हमारा पानी हल्का गर्म हो गया है, हमने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून हमारी रेगुलर, जो घर में हम चाय यूज़ करते हैं, वो चाय पत्ती। आप इस आइस टी को टी बैग से भी बना सकते हैं। अब चाय पत्ती डालने के बाद इसमें हम मिठास के लिए चीनी डाल देंगे। चीनी आपकी मिठास जितना आप पसंद करते हैं उतनी डालें। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इस आइस टी में चीनी की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप हनी यूज़ कर रहे हैं तो हनी को हम बाद में ऐड करेंगे, ना कि इस स्टेज पर। तो अभी इस पानी में हमने चाय पत्ती और चीनी डाल दी है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीनी इस चाय में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गई है, और इस हल्के गर्म पानी में जो हमने पत्ती डाली थी उसे भी इस पानी में रखे हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा हमें चाय पत्ती को पानी में इन्फ्यूज नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो आइस टी है वो कड़क हो जाएगी और कड़वा फ्लेवर देगी। अब हमें करना क्या है, जल्दी से हम इस चाय को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो यहाँ हमारी काली चाय यानी ब्लैक टी बनकर तैयार है, पर अभी इसे आइस टी बनाने के लिए इस काली चाय को हमें 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना होगा। तो यहाँ हमारी चाय को ठंडे होते हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अब अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इस आइस टी में हम फ्लेवर के लिए लगभग 2 नींबू का रस डाल देंगे। आप इस नींबू की खटास अपनी पसंद के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। नींबू के रस को आइस टी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस तैयार आइस टी को हम सर्विंग ग्लास में डालेंगे, पर उससे पहले हम इस ग्लास में खूब सारा आइस डालेंगे, क्योंकि इस ड्रिंक का नाम ही लेमन आइस टी है। तो यहाँ हमने ग्लासेस में आइस डाल दिया है। अब आइस डाली इन ग्लासेस पे हमारी तैयार लेमन आइस टी को डाल देंगे, साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए थोड़े से कटे हुए नींबू के रिंग्स डालेंगे, और इस आइस टी को हम थोड़े से मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर लेंगे। आप इस आइस टी को एडवांस में बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि जब भी आपके गेस्ट आए तो उसके लिए ये आइस टी आप पहले से बनाकर तैयार रख सकें। तो यहाँ आपने देखा हमने कितनी आसानी से बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक आइस टी को बना लिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।